चुन्नू घबराता हूँ, अभी जाता हूँ माँ, माँ देखो डॉक्टर साहब का साथ ही लेकर आना। माँ बोली कि देखो तुम जाओ और डॉक्टर को अपने साथ ही लेकर आना। पुष्पा कराती रहती है, माँ पुष्पा के पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरती है। थोड़ी देर में चुन्नू एक डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर का कद बहुत छोटा है, दाढ़ी बढ़ी हुई और आंखें पर चश्मा है, हाथ में एक बैग भी है। माँ डॉक्टर को देख कर चौंकती है। जब वो चुन्नू लाने जाता है डॉक्टर, जब डॉक्टर आता है तो क्या पुष्पा कराती रहती है ना, तो जो डॉक्टर है डॉक्टर साहब उनका हाइट क्या है, उनकी जो है बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत कम, और उनका दाढ़ी क्या हो जाएगा बढ़ी हुई है, उसके आँखें में क्या चश्मा है, हाथ में क्या हो जाएगा थैला, डॉक्टर का एक थैला होता है, ठीक है अपना, है ना। और माँ डॉक्टर को देख के चौंकती है, वो कह रहे इस समय आश्चर्य होती है, अरे ये डॉक्टर। माँ चुन्नू के कान में, वो जाके चुन्नू के कान में बोलती, अरे ये किस डॉक्टर को पकड़ लाया, इसका कद देख कितना छोटा है, यह क्या इलाज करेगा मेरे बेटी का। और वो जो अपने बेटे पास जाकर चुन्नू को बोलती क्या कि डॉक्टर का कद कितना छोटा है, ये क्या मेरे बेटी का इलाज करेगा। चुन्नू हंसता हुआ धीरे से बोलता है, माँ ये डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, बस कद ही तो छोटा है, इनका अपने का कद का क्या करना, ये इधर दवा देंगे उधर दीदी की क्या हो जाएगा दर्द छू मंत्र, फिर दर्द क्या हो जाएगा छू मंत्र। तो चुन्नू अपने माँ को समझाता है कि, है ना, हंसते हुए बोलता है, माँ ये डॉक्टर तो बड़े बड़े हैं, ये डॉक्टर क्या है बहुत बड़े हैं, बस कद इनका क्या है छोटा, कद से हमें क्या लेना, ठीक है, ये तो ऐसा दवा देंगे कि जैसे ही दवा देंगे दीदी का पेट दर्द क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, दीदी का पेट दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। माँ डॉक्टर से, आइए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, पेट 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 दर्द से तड़प रही है। डॉक्टर पुष्पा से हंसते हुए, कहाँ हो रहा है भाई, है ना, कहाँ हो रहा है दर्द। अच्छा पुष्पा सिर पर हाथ रख कर, यहाँ डॉक्टर साहब, है ना, तो फिर कहते सी माता बोलती है डॉक्टर साहब यहाँ पेट में दर्द है। डॉक्टर सोचता हुआ, क्या सिर में दर्द हो रहा है, पुष्पा तुरंत संभलते हुए, वो भी मन उसे भी पुष्पा को भी हंसी आ रही है क्योंकि वो नाटक कर रही सब बच्चे लोग, है ना, अपने माँ के पर। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। माँ बीच में ही बोलती है, सुबह तक तो ठीक थी, तीनों बच्चे मजे से खेल रहे थे, अरे चुन्नू कहाँ गया, है ना। उसकी माँ बोली कि डॉक्टर साहब तीनों बच्चे तो ठीक थे, सुबह से अच्छे खेल रहे थे, है ना, अरे मुन्नू कहाँ गया, जो मुन्नू है वो क्या बना है, वो वही मुन्नू क्या बना है, डॉक्टर बने हुए आए हुए हैं, ठीक है मुन्नू। अच्छा चुन्नू अटकते हुए, माँ हुआ तो अपने दोस्त के घर गया हुआ, जो चुन्नू था वो क्या बोल दिया, मैंने बहाना कर दिया, माँ वो तो अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ, और जो जो डॉक्टर बन के जो आया वो क्या है, वो मुन्नू ही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर गंभीरता से, है ना, देखिए आप बीच में मत बोलिए, मुझे मरीज से बात करने दीजिए, ठीक है, आप बीच मत बोलिए, आप मुझसे क्या हो जाएगा मरीज से बात करने दीजिए, ठीक है दीजिए। पुष्पा की ओर देखकर हंसता है। डॉक्टर बैग के भीतर से रबड़ की नली जैसी कोई चीज निकालता है, जो दिखने में साइकिल में हवा भरने का पंप जैसी। माँ उसको देख बड़ा ध्यान से देखती है। अब डॉक्टर गंभीरता से देखता है, उसको जब इलाज करने के लिए जो पुष्पा को लिए क्या करता है, उसमें से एक नली रबड़ की नली जैसा निकालता है, और दिखने में क्या होता है, जैसे जो साइकिल में जो हवा भरते हैं ना, वो क्या होता है, वो रबड़ का नली होता है, ठीक है। माँ उसको देखकर बड़ा आश्चर्य से देखती है, ठीक है। माँ पंप की ओर देखते हुए, डॉक्टर साहब ये तो अजीब मशीन है आपके पास, मैंने बिजली पूछते, माँ डॉक्टर साहब ये आपके पास इस तरह का मतलब मशीन है ना, कोई भी मशीन मैंने नहीं देखी किसी भी डॉक्टर के पास, बोला ऐसी मशीन तो मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं देखी, बिस्तर मशीन है भाई ये। डॉक्टर ओह, आप फिर बीच में बोल पड़ी, आप अब चुप रहिए, वरना पहले मुझे आपको चुप करने की दवा देनी पड़ेगी। माँ ठीक है नहीं बोलूँगी। अब उसको जब बार बार डॉक्टर काम कर रहे तो क्या हो जाएगा, उसको बीच में डिस्टर्ब करें, उसकी माँ तो बोलिए आप चुप रहिए, अभी जो हम काम कर रहे हो काम करने दीजिए, तो हमें भी आपको चुप रहने के लिए क्या करना पड़ेगी, दवा देनी पड़ेगी। तो फिर माँ कहती है ठीक है नहीं बोलूंगी, ठीक है।